Begin! Begin! Yeah. भाई बीच में गाड़ी रोक के व्लॉग स्टार्ट करना पड़ रहा है। हेलो नमस्ते, कैसे हो? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं आया था एक जगह पूजा करवाने के लिए हमारे पास ही के गांव में, और आज है इंडिया का फाइनल, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। तो भाई इंडिया ही जीतेगी, हमको पता है, मतलब पता तो नहीं है बट हमारा फुल सपोर्ट है इंडिया को, और इंडिया बहुत तगड़ी खेल रही है तो इंडिया ही जीतनी चाहिए। और सामने भी बहुत तगड़ी टीम है, ऐसी वैसी टीम नहीं है ऑस्ट्रेलिया की। तो आज का मैच तो देखने में एक नंबर होने वाला है, और मेरे को देखना भी था शुरुआत से, और मैच स्टार्ट हो चुका है। तो अभी मैं फटाफट जा रहा हूँ घर पे, काम वाम हो चुका है सब, अब घर पे जाके सीधा मैच ही देखना है। बाकी इंडिया की फर्स्ट बैटिंग है, अभी कैप्टन साहब रोहित साहब खेल रहे हैं, और शुभमन गिल शायद नॉन स्ट्राइक पे है। तो भाई बहुत मजा आने वाला है, शुभमन गिल का फेवरेट ग्राउंड है, तो आज तो शुभमन भाई मार दो तुम। चलो अब चलते हैं, फिलहाल मैं बहुत यहाँ पे खड़ा हूँ बहुत देर से, चलो चलते हैं घर पे, और घर पे जाके फिर मैच देखेंगे। तो भाई अभी मैं हाईवे पे पहुंच चुका हूँ, और अभी मैंने स्कोर देखा है, रोहित शर्मा बहुत अच्छे खेल रहे हैं अभी, और शुभमन भी अच्छा ही खेल रहा है, दोनों बढ़िया खेल रहे हैं, और इंडिया ही जीतनी चाहिए। विजय भव, विजय भव, इंडिया ही जीतेगी। तो गाइस अभी मैं घर पे पहुंच चुका हूँ, और देखो घर पहुंचते पहुंचते हालत कैसी हो गई है मेरी, अभी चेंज वगैरह करते हैं। और घर आते ही एक बैड न्यूज़ मिली है, एक विकेट चला गया इंडिया का, और वो भी मेन विकेट था यार, शुभमन का विकेट चला गया, उसका फेवरेट ग्राउंड था यार, विकेट चला गया। कोई नहीं, अब आए अपने कोहली भाई, किंग कोहली, आज ये तो नाम करके ही जाएंगे भाई, ये तो शतक मारना ही है इनको तो आज फिर से। रोहित और कोहली खेल रहे हैं, ठीक है, मतलब कैप्टन साहब और पूर्व कैप्टन साहब दोनों खेल रहे हैं। तो मैं भाई अभी चेंज कर लेता हूँ, चेंज करके फिर देखते हैं मैच। विकेट गया भाई रोहित का 47-50 तो मारने देते। आज टीम तगड़ी है भाई, सामने जो टीम है ना बहुत तगड़ी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का ये भाई मतलब राष्ट्रीय खेल भी है क्रिकेट, और अपना तो भाई हॉकी है, आप सबको पता ही है, बट इस बार ऑस्ट्रेलिया को हराने का हमने सोच रखा है, और ऑस्ट्रेलिया ने भाई इंडिया को हराने का सोच रखा है। तो क्या होता है, मतलब मैच तो बहुत दिलचस्प होता जा रहा है, मैंने अभी तक चेंज नहीं किया भाई, चेंज करते बीच में बाहर जा रहा हूँ भाई। इससे बोला रोहित कैसे गया यार, रोहित भी गया, शुभमन भी गया, अब भाई विराट भाई बचे, विराट भाई तुम मार दो, रिकॉर्ड बना दो विराट भाई, भाई देखना विराट का शतक फपका है, फिर से शतक है आज भाई। ये क्या हो रहा है भाई, ये हो क्या रहा है, तीसरा विकेट भाई, इंडिया का तीसरा विकेट 81 रन पे, और तीसरा विकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट था भाई, श्रेयस अय्यर का विकेट भी चला गया। अब भाई विराट भाई खेल रहे, विराट भाई तुम यार, तुम ही टीम की उम्मीद हो। अभी का गाइस फिलहाल का स्कोर ऐसा चल रहा है ना, 83 रन पे तीन विकेट है ना, 83 रन पे तीन विकेट है, और तीनों इंपॉर्टेंट विकेट चले गए हैं, रोहित शर्मा का विकेट चला गया है, शुभमन गिल का चला गया है, और अपना भाई श्रेयस अय्यर का चला गया है। तो मतलब अब पारी जमी है केएल राहुल और विराट के बीच, तो ये भाई देखने वाली बात होगी इन दोनों की जोड़ी कैसी रहती है। 85 रन तो जंपा डाल रहा है अभी बॉलिंग, और भाई बॉलिंग तो उसकी तुम जानते ही हो भाई, क्या होगा भाई, दोनों टीम तगड़ी है क्या, आज तो हाल इंडिया के बेहाल हो गए हैं स्टार्टिंग में। आप क्या बोलना चाहते हैं आज के मैच के बारे में? आज का मैच बहुत ही गंभीर हालात में भाई, अब तो मतलब टीवी के आगे से हटने का मन ही नहीं कर रहा है, तीन विकेट भाई इंपॉर्टेंट चले गए, अगर कम स्कोर बनाना तो शामी को बॉलिंग देनी पड़ेगी, शामी को पहले ही भेजना पड़ेगा, शामी भाई विकेट लेके आएंगे। 1.5 लाख पब्लिक बैठी है स्टेडियम में, इतनी सारी पब्लिक के सामने तीन विकेट चले गए, सब भाई शॉक हो गए हैं कि इंडिया के आते ही तीन विकेट चले गए, और अभी 87 पे तीन विकेट है, 12-13 ओवर पूरे होने आए हैं, इंडिया। तो अभी गाइस मैं जा रहा हूँ यश भैया के घर पे, उनके घर पे जाके मैं तो अभी मैच देखूंगा, निर्मल अपने घर पे यहाँ पे ही देख रहा है, तो चलो चलते हैं और वहाँ पे आराम से मैच देखते हैं। मैं जा रहा हूँ यश भैया के घर पे जा रहा हूँ मैं, ठीक है ना, वहाँ पे जाके देखता हूँ, तू यहाँ पे देख, ये तो भाई शुरू हुआ तब से देख रहा है तू तो भाई। आज का मैच ना बहुत जोरदार हो रहा है, अभी हम आए यश भैया के घर पे, वड़ा पाव खा रहे हम भाई, ये तो सिंगल ही भाग रहे हैं,
ये बॉलिंग मैक्सवेल की, ये फील्डिंग देखो इनकी यार, फील्डिंग बहुत तगड़ी है भाई। कोई सिक्स नहीं, कोई फोर नहीं, बस सिंगल दौड़ रहे केएल राहुल और विराट कोहली, संभाल संभाल के खेल रहे। अब क्या होगा मैच, बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है यार। भाई कोहली की 50 हो गई है फाइनली। ओ भाई फील्डिंग इनकी देखो बहुत टाइट है। विराट कोहली ने भाई अपना हेलमेट उतार दिया, टोपी में आ गए, अब खेलेंगे तो जोरदार। इंडिया जीतेगी पक्का। अरे चौका किसने मारा है, कोहली ने? विराट कोहली ने। विराट कोहली का विकेट भाई, 50 मार के चले गए, शतक शतक तो मार के जाना था। अब जडेजा आ रहा है, जडेजा अब मारना चाहिए। मैं गेम भाई इनके भाई, वो अन्ना छक्का देगा। विराट चला गया यार, वो मार के ही नहीं गए। जडेजा जिताएगा, जडेजा जिताएगा, जिताएगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ दादाजी को लेने उनके घर पे, क्योंकि उनको आना है यश भैया के घर पे। बाकी गाइस यार क्या मैच, मैच बहुत बहुत तगड़ा मैच चल रहा है। कोहली भी भाई 50 मार के चला गया, मेरे को लग रहा था भाई शतक मारेगा, शतक भी नहीं मारा भाई कोहली भाई ने। क्या मैच हो रहा है, अब जडेजा आए हैं, देखते हैं वो क्या करते हैं। तब तक मैं दादाजी को लेके आ जाता हूँ। तो दादाजी को लेके आ गया हूँ मैं, और यहाँ पे तो मैच नहीं चल रहा है, अंदर मैच चल रहा है, तो अंदर जाके मैच देखते हैं। फाइनली फाइनली केएल राहुल की भी 50 हो चुकी है, जडेजा भी आ चुका है खेलने, तो अब देखते हैं क्या होता है मैच में। बहुत जोरदार मैच भाई, जडेजा गया, जडेजा गया भाई। क्या हो रहा है आज के मैच में, जडेजा 9 रन मार के आउट। अब आए सूर्या भाई, सूर्या मारेगा भाई, सूर्या आया अब, सूर्या का देखते हैं क्या होता है। सबका बुरा हाल है आज, जो भी आ रहा है भाई जा रहा है, आते ही जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की तगड़ी बॉलिंग फील्डिंग सब तगड़ी। केएल सूर्य कुमार यादव अब दोनों खेल रहे हैं, तो देखते हैं ये क्या धमाल करते हैं। इतनी देर के बाद एक चौका गया है, सूर्या भाई ने आके मार दिया है सीधा। अब मजा आएगा भाई, अब मजा आएगा, एक चौका तो चला गया, अब चौके चक्के धूम मचा दो। फिर विकेट केएल गया, मेरा बॉल ही तो घनी खा दी है। मोहम्मद शामी आ गए। शामी भाई बॉलिंग तो बढ़िया कर दो, बैटिंग भी अच्छी कर लो। शमी का आते ही चौका, अब क्या होगा। निर्मल तो आज पूरा मतलब इंडिया के गेटअप में आया है भाई, क्या कर दिया ये इंडिया ने, तैयारी करके नहीं आई थी लगता है। अब होगा भाई, बॉलिंग में कमाल करेगी इंडिया। बहुत ही गंदा मैच यार, मतलब देखने की इच्छा नहीं हो रही है, फिर देखना पड़ेगा। इंडिया देखो, देखो इंडिया है, देखो। शामी भाई भी गए भाई, अब बुमराह भाई, आज सबको बैटिंग मिल रही है। 37 बॉल बाकी है, सूर्य कुमार खेल रहा है। फाइनली मैच कम्प्लीट भाई, पूरी टीम इस वर्ल्ड कप में फर्स्ट बार ऑल आउट हुई है, और 140 का टारगेट दे दिया ना भाई, 240 का टारगेट है, है? जीतेगा भाई, जीतेगा, इंडिया जीतेगा। 240 का टारगेट दे दिया है, अब बॉलिंग देखते हैं कैसी करता है इंडिया। तो अभी गाइस हम आ चुके हैं घर पे, और अभी फिलहाल आधे घंटे का ब्रेक है, उसके बाद इंडिया करेगी बॉलिंग, और बॉलिंग में तो इंडिया को जोर दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि बैटिंग में तो इतना कुछ खास दम था नहीं। सिंगल डबल लेके सारे रन बनाए हैं, और अच्छा टारगेट दिया है 240 का। पर सामने सामने यार ऑस्ट्रेलिया है ना यार, वो बात है, ऑस्ट्रेलिया भाई तगड़ी टीम है वैसे तो, और बहुत तगड़ी फील्डिंग थी ऑस्ट्रेलिया की, बॉलिंग भी तगड़ी थी भाई, और अब देखते हैं बैटिंग कैसी रहती है उनकी। तो अब आधे घंटे का ब्रेक है, तब तक हम खा रहे हैं हलवा, हलवा खा के मुंह मीठा करते हैं, और इंडिया की जीत का पहले से ही जश्न मनाते हैं, जीतेगी इंडिया ही, इसलिए हम हलवा खा रहे हैं। पहले ओवर में कितने विकेट गिरते हैं पहले तो वो देखना है हमको, उन्होंने भाई विकेट पे विकेट ले लिया हमारे, अब इंडिया को भी विकेट लेना ही पड़ेगा उनका। फाइनली मैच स्टार्ट, इंडिया भाई और आते ही बुमराह ने क्या कर दिया, बुमराह को दिए, सियाज को दिए, बुमराह को दिए, बुमराह क्या किया बुमराह ने आगे, कुछ नहीं किया, फोर चला गया, फोर गया भाई पहली बॉल में, फोर गया। तो अब मैच देखते रहो आप, बढ़िया
बढ़िया पहले बॉल बुमराह को दी है, बट बुमराह ने यार पहली बॉल में ही चौका दे दिया है। भाई ये क्या कर रहा है इंडिया, क्या कर रहा है ये? दो फोर चलवा दिए भाई, भाई दो फोर चले गए और मतलब क्या ही फील्डिंग है, मतलब क्या हो रहा है ये? ऐसे चलता रहा तो हम नहीं जीतेंगे भाई। शामी विकेट लेगा, शामी आ चुका बॉलिंग पे और ये विकेट 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 शामी के आते ही एक विकेट भाई, डेविड को आउट कर दिया है, कैच आउट कर दिया कोहली ने। विकेट किसने लिया है? शामी की बॉलिंग पे, शामी की बॉलिंग पे गाइस एक विकेट भाई, शामी ने आते ही कमाल कर दिया। बॉल पर चार फोर चले गए। विकेट गया एक वार्नर का, डेविड वार्नर का विकेट भाई, भाई 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 मजा आ गया। शामी भाई फिर से आ गए दूसरा ओवर करने, अब भाई कितने विकेट जाएंगे, विकेट में विकेट जाएंगे। बूम बूम बुमराह आ गया, बुमराह यो भाई, ओ भाई टाइट फील्डिंग, वेरी गुड, ओ भाई क्या क्या, अरे यार आउट है, आउट है, आउट है, आउट है, आउट है, विकेट ले लिया, किसने लिया, विकेट ले लिया, किसने लिया, उसने किया, खेल ने, खेल राहुल ने, विकेट कीपर ने भाई, बुमराह मजा आ गया यार, विकेट ले लिया, एक विकेट की जरूरत थी इंडिया को, फिर से दो विकेट हो गए अब भाई। जैसे हम खेल रहे थे ना विकेट बचा के, मतलब एकदम सिंगल डबल, अब उनकी भी वही हालत होने वाली है देख लेना, ऑस्ट्रेलिया की भी वही हालत होगी भाई, हो रहा है भाई, विकेट बचा बचा के खेल रहे शामी की बॉल पे कब क्या होगा भाई। बुमराह विकेट, बुमराह 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 बुमराह, ओ भाई विकेट 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 विकेट, बुमराह बुमराह ने आज तक कमाल कर दिया भाई, दूसरा विकेट बुमराह का, एक फोर के साथ एक विकेट फ्री है बुमराह भाई, स्टेडियम गुंजा दिया, देखो भाई बुमराह ने भाई विकेट गया, विराट कोहली ने इशारा किया है, चिल्लाओ चिल्लाओ स्टेडियम पूरा गुंजाओ, तुम आज भाई सबका हौसला बढ़ाओ, हौसला बढ़ा रहे भाई, बुमराह से एक बॉल गलत हो गई यार, उस वजह से चौका चला गया, कोई नहीं वो भाई कीपर के हाथ से छूट गई। गाइस पहला पावर प्ले हो चुका है खत्म, 10 ओवर हो चुके हैं, 60 रन 3 विकेट, अच्छा कर रहा है भाई इंडिया। भाई देखने की इच्छा नहीं हो रही है ना, देखने की इच्छा नहीं हो रही है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ने भाई शतक मार दिया है भाई, क्या हो रहा है, 55 रन चाहिए जीतेंगे और 16 ओवर में भाई, 16 ओवर में 55 रन भाई संभव तो नहीं है, बट देखते हैं क्या होता है। इंडिया पे पूरा विश्वास अभी तक थोड़ा थोड़ा है, अब मतलब विश्वास तो है, कुछ तो करो भाई। 11 रन चाहिए, 57 बॉल रही है भाई, क्या होगा अब तो, मतलब सब हो ही गया है ना जो होना था, पूरा स्टेडियम नुकसान हो चुका है ना, अब तो भाई क्या होगा यार, इंडिया बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा खेली है ना, ट्राई कितना किया यार हमने, 42 ओवर हो चुके हैं, एक रन बचा है और एक विकेट चला गया है, जिसने मतलब अभी किसने मारी थी सेंचुरी किसने मारी थी, उसका विकेट गया, एक रन बचा है और अब खेलने आया मैक्सवेल, 200 मारे थे एक पैर पे इसने, अरे भाई आ गया, अब ये क्या करेगा बोलो, क्या करेगा ये भाई, फुल जोश में चौका जाने से रोक दिया, तीसरी बार भारत का सपना टूट गया यार, इंडिया ने मतलब तीन बार सोचा कि जीतेगी बट जीती नहीं, ऑस्ट्रेलिया विंस बाय 6 विकेट गाइस, मतलब सोचा नहीं था वो हो गया, इंडिया से बहुत सारी उम्मीदें हमने रखी थी कि जीतेगी बट हो गया, बाकी बहुत सब प्लेयर ने अच्छा ट्राई किया,
स्टार्टिंग में जो 3 विकेट गए वो बहुत मतलब अपने लिए खास थे। श्रेयस अय्यर का चला गया विकेट और फिर शुभमन गिल का चला गया, एक और अपने रोहित शर्मा का चला गया। पर रोहित शर्मा तो अच्छा खेल के भी गए थे, 50 मार के गए थे, बट 2-3 जो प्लेयर थे वो मतलब उनका परफॉर्मेंस अब तक अच्छा रहा, वो वर्ल्ड कप के फाइनल में अच्छा नहीं कर पाए, तो ये एक बात रहेगी। बाकी शायद विराट कोहली का भी ये लास्ट वर्ल्ड कप था, नेक्स्ट वर्ल्ड कप में वो शायद अपन को ना दिखे। धोनी सर के साथ भी ऐसा ही हुआ था, तो अब कह नहीं सकते कि आगे जो भी है अपने नए नए बंदे जो आने वाले हैं वर्ल्ड कप में, रिंकू सिंह वगैरह, वो कैसा खेलेंगे, अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे इंडिया के लिए, तो बढ़िया ही है अपने लिए। और नेक्स्ट वर्ल्ड कप अपन ही लेके जाएंगे भाई, नेक्स्ट वर्ल्ड कप 4 साल के बाद जो भी होने वाला है वो इंडिया ही लेके जाएगी पक्के बात। चलो बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी बट कोई नहीं, जो भी है अच्छा है, बढ़िया है, जीती जो टीम जीती वो भी बढ़िया है। क्योंकि देखो हमारा राष्ट्रीय खेल नहीं है क्रिकेट, हमारा है हॉकी, तो हॉकी में तो हम हर जगह चैम्पियन ही हैं, तो बस चैम्पियन ही रहना है अपने खेल में, और अपने खेल में अपन चैम्पियन ही है। ओके तो चलो, आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल बने हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। That the moment passed time, the moment you could set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs.